दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में लगभग रोज 40,000 विचार आते हैं और एक साल में लगभग 365 दिन और हम 20 साल से लगभग जीते चले आ रहे हैं। तो क्या आपको मालूम है हमें जीरो से हीरो बनाने के लिए कितने थॉट्स की, कितनी यूनिक आइडियाज की जरूरत पड़ेगी? क्या जानते हैं? केवल एक। ठीक है, तो ये वीडियो आगे तक देखते रहिए। हमें आपसे उसी एक थॉट के बारे में बात करने वाला हूँ जो एलन मस्क का है और आज वो हीरो हैं। ठीक है, रेफरेंस में इलेक्ट्रिक कार के। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ उसे। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है टेक की पाठशाला और मैं भानु प्रजापति आज वीडियो में बात करूंगा इलेक्ट्रिक कार के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात तो एलन मस्क के बारे में, भाई बात ही कुछ नहीं है। उन्हें तो इस जमाने का रॉबर्ट डाउनी, यानी कि सॉरी रॉबर्ट डाउनी तो नहीं लेकिन टोनी स्टार्क कह सकते हैं इस जमाने का। और उन्होंने उनके हाइपर लूप, इलेक्ट्रिक कार, स्पेस एक्स प्रोग्राम तो लाजवाब हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक कार के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक कार में क्या है? इलेक्ट्रिक कार में लगभग केवल तीन चीज़ें, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। एक है आपका 3-phase इंडक्शन मोटर, दूसरा इन्वर्टर और तीसरा है आपकी बैटरीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3-phase इंडक्शन मोटर के वर्किंग के बारे में। तो 3-phase इंडक्शन मोटर में लगभग केवल दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। तो स्टेटर क्या स्टैटिक होता है, रोटर रोटेट करता है। और रोटेट कैसे करता है? इसको 3-phase पावर इनपुट की, एसी पावर इनपुट की जरूरत होती है। तो 3-phase एसी पावर इनपुट होता है, 3-phase बाइंडिंग होती है इसके अंदर। जब इसको पावर इनपुट हम देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से ये मूव करता है, रोटेट करने लगता है रोटर। तो अगर इसे डीप में जानना है तो फिर इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो इसे डीप में 3-phase इंडक्शन मोटर का वर्किंग जान जाइए। और नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये एक मोटर होता है सिंपली, जैसे आपने कभी तो मोटर देखा ही होगा कि एक सिंपली एक पावर इनपुट दीजिए और उसके बाद से मोटर रोटेट करना था, बस वही सिंपल है। तो इन्होंने क्या किया, मोटर लगाया है और उसी मोटर को पीछे वाले पहिए से जोड़ दिया है और उसी मोटर को एसी पावर इनपुट के लिए इन्वर्टर लगाया है। और वो आइडिया ये था बैटरी वाला। हमारे यहाँ के जो भी थे नहीं सोच पा रहे थे ऑटोमोबाइल्स वाले कि हम बैटरी, एक यूनिक बैटरी कहाँ हम लगा सकते हैं। ठीक है, बैटरी अगर एक सिंगल सोर्स में बैटरी रख रहे थे तो क्या होता है, इसका जो गाड़ी का मैकेनिक सोर्स था वो डिसबैलेंस हो जा रहा था। तो इसीलिए बैटरी कहाँ रखे ये नहीं समझ में आ रहा था। तो और एलन मस्क ने किया ये कि बैटरी को एक छोटे छोटे पार्ट्स में, एक लिथियम आयन की बैटरी है, छोटे छोटे पार्ट्स में, एक सेल्स में, जैसे नहीं होता तो पेंसिल सेल्स वगैरह, वैसे ही इसको पूरे बॉटम में पूरा बिछा दिया और इंटीग्रेटेड बैटरी, बहुत ही ज़्यादा पावर सप्लाई हो गई। और दूसरी बात ये, पूरी बैटरी बिछा दी, यही एक आइडिया था उनका। देखिए, केवल यही एक आइडिया कि उसको पेंसिल के जैसा, पेंसिल सेल जैसी बैटरी पूरे बॉटम में बिछा देने की। तो यही इनका एक यूनिक आइडिया था। और इसे देखिए, और एक आगे जो आगे वाले जो फ्रंट वाले व्हील्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके ये फिर से इसको, इस बैटरी को चार्ज भी करते हैं काइनेटिक एनर्जी उसकी यूज़ करके। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप लगा सकते थे तो लगा देते, एक सोलर पैनल भी लगा देते बैटरी कार के ऊपर, तो ठीक है उसका आप सो बिगड़ जाता। वैसे तो देखिए, यही था इलेक्ट्रिक कार के बारे में। अगर आपको इसके बारे में बहुत ही डीप में जानना है 3-phase इंडक्शन मोटर के वर्किंग के बारे में, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बारे में, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप यहाँ से जाके उसको जान सकते हैं। और ठीक है, और हमारे जो नॉर्मल जैसे ट्रेडिशनल जैसे हमारे मोटर्स लगते हैं कार में, वो लीनियर मोशन को क्या रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करते हैं। वो जनरली वो इम्बैलेंस रहता ही है, इसीलिए उसकी लिमिट भी, स्पीड भी लिमिट रहती है, सारी चीज़ें। और इसका जो है एसी पावर सप्लाई 3-phase इंडक्शन मोटर का, तो 3-phase इंडक्शन मोटर का जो भी स्पीड, जो इसकी स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पावर इनपुट की। तो इसीलिए हम इसको कंट्रोल भी आसानी से कर सकते हैं इसका, अगर हम एसी पावर इनपुट अगर हम कम कर दें इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि एसी पावर सप्लाई अगर कम कर दें तो इसकी एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगी, इस तरह आसानी से कंट्रोल भी हो सकता है। इसलिए वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एक्सेलरेटिंग कार भी हो गई। ये हमारा इसकी रेंज है 0 से लेकर 18,000 RPM की रिवॉल्यूशन पर मिनट तक, ये इतनी इसकी रेंज है। तो काफ़ी कमाल की चीज़ है इलेक्ट्रिक कार, तो ये बहुत सही चीज़ है। और मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा SpaceX और SpaceX BFR के बारे में। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। कोई सवाल या सुझाव नीचे कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।